मैं चाह रहा हूं कि इतने शोर हैं, बहुत ज्यादा शेर ना सुनाऊं और सबको बराबर से मौका मिले, निजामत भी मुख्तसर से करूं। लेकिन वो तोहफा जो है वो बहुत दूर से मैं नहीं लाऊंगा। एक मेरा आज ये भी दस्तूर है कि आपको बहुत दूर के शोरा को बहुत करीब से करके मुलाकात कराता हूं, यानी आपकी अमानत आपसे छीन के आपके हवाले कर रहा हूं। आइए, गजल से हम मनकबत निचोड़ते हैं। देखिए, शायरी किसे कहते हैं अगर देखा जाए, कसम खुदा की मेरा जी चाह रहा है दो चार जुमले ऐसे बोल दूं कि ये उलमा अगर उस पर सिर्फ अपनी गर्दन हिला के सनद दे दें तो मेरे लिए जो है वो दस्तखत हो जाएगा। शायरी कहते किसे हैं? अरब के रेगिस्तानों में हवाओं और तूफानों के झक्कड़ के साथ जब झोंके चलते हैं तो टूटे हुए खैमों की तनावों से जो चीख और पुकार निकलती है, अगर उमरुल कैस के अल्फाज में डल जाती है, उसे दुनियाए अरब कसीदे का शेर कहती है। वही तहजीब जब रेगिस्तानों से निकल के ईरान के कालीनों पे पांव रखती है और खाकानी और मनुचेहरी और फिरदौसी की शायरी हो जाती है तो उसे कसीदा कहा जाता है, और हाफिज लिखने लगते हैं तो उसे गजल कहते हैं, और खयाम उसे लिखता है तो उसे रुबाई कहते हैं। वही शायरी जब हिंदुस्तान में दक्कन की सरजमीन में आती है तो हम ये कहते हैं कि शायरी हैदराबाद में आंखें खोलती है, दिल्ली में परवान चढ़ती है, लखनऊ में उसकी नोक पलक संवारी जाती है। असनाफ के इख्तलाफात सब अपनी जगह, मगर एक ऐसा शायर हमारी मुजफ्फरनगर की सरजमीन का है कि जब वो मथुरा और काशी में जाता है तो गीत लिखता है, जब वो लखनऊ में जाता है तो गजल लिखता है, गदीर के मैदान में आ जाता है तो खजूरों के साये में, बबूलों के उस पार, हवाओं के दामन पे अली के नाम का कसीदा लिखने लगता है। ऐसा शायर है खालिद जाहिद। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर की सरजमीन का एक ऐसा शायर जो पूरे हिंदुस्तान में गजल के स्टेज पे बड़ा जाना पहचाना नाम है, जनाब खालिद जाहिद साहब तशरीफ लाए। चढ़ने की दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला दिल की गहराई से पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे और सामईन को दिल की गहराई से सुनने की तौफीक अता फरमा दे। हजरात देखिए, हमारे खालिद जाहिद साहब नमाज हाथ बांध के पढ़ते हैं मगर अली की मनकबत दिल खोल के पढ़ते हैं। असल में मैं इस सिलसिले में कोई तबसरा नहीं करना चाहता, इसलिए कि जहां पर जिक्र अली आ जाता है, अली की मानवीयत इतनी बुलंद और अरफा है कि वहां हाथ बांध ही लेना चाहिए। क्या कहें, मैं आपके हाथ खोलने पर इसरार नहीं कर रहा हूं, दिल खोलने पर इसरार कर रहा हूं। सुन्नी के जी सुन्नी के और रुबे अली के अदब, एक सुन्नी नहीं है वो जो मुहिब्बे अली नहीं। क्या कहने वाले, पेश करता हूं मुलायदा फरमाई। अर्ज क्या है कि वो नूर बन के जहां की फजा में रहते हैं, वो नूर बन के जहां की फजा में रहते हैं, वो नूर बन के जहां की फजा में रहते हैं, शहीद जिंदा है और करबला में रहते हैं, फजा में रहते हैं, शहीद जिंदा हैं और करबला में रहते हैं, और कबूतरों को अजब इश्क पहले बैस से है, कबूतरों को अजब इश्क पहले बैस से है, कभी नजफ में कभी करबला में रहते हैं, कभी नजफ में कभी करबला में रहते हैं। एक मनकबत के चंद शेर पढ़ने की सआदत हासिल करता हूं मुलायदा फरमाई। प्यासा कहाँ भटकता, समंदर को छोड़कर समंदर को छोड़ कर, हुर आ गया यजीद के लश्कर को छोड़।
لیے عرض کرتا ہوں. لائے سن شکریہ شکریہ شکریہ. دوستو مجھے خورشید حیدر صاحب میرے بہت اچھے بھائی ہیں, منظر بھوپالی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, وہ جانتے ہیں کس کا کیا عقیدہ ہے مجھے کچھ نہیں معلوم, لیکن میں اتنا جانتا ہوں چار مصروں میں بیان کرتا ہوں اور میں اپنا دل جو ہے وہ کسی کو چیر کے دکھا نہیں سکتا, اس لیے کہ جس پہ شک ہو وہ وفاداری میری ٹھوکر میں ہے. اپنا خود دے کر میں تصدیق وفا کر سکتا کرتا نہیں, جس پہ شک ہو وہ وفاداری میری ٹھوکر میں ہے. میرا مقصد ہے کہ کل قیامت کے روز جب میں کھڑا ہوں تو میرا نام اہل بیت کے ان غلاموں میں آ جائے جن کو قبولیت کا شرف حاصل ہو. تو چار مصرے پیش کرتا ہوں, اس کے بعد آگے بڑھوں گا. میں نے چار مصرے کچھ چیزیں کہتے اس طرح کہے تھے کہ کوثر تو کیا ملے گا اسے روز حشر کو, کوثر تو کیا ملے گا اسے روز حشر میں, زمزم بھی روح سیاہ کو پینے کا حق نہیں. کوثر تو کیا ملے گا اسے روز حشر میں, زمزم بھی روح سیاہ کو پینے کا حق نہیں. اور اسلام کے اصولوں میں یہ بھی ہے اصول, گستاخ اہل بیت کو جینے کا حق نہیں. مستاخ اہل بیت کو جینے کا حق نہیں. عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے, عرض کرتا ہوں. پیاسا کہاں بھٹکتا, سمندر کو چھوڑ کر حور آ گیا چھوڑ کر. عرض کرتا ہوں شب عاشور کی تیرگی جو خیمے میں ہوئی اور جو واقعہ ہوا سب کے علم میں ہے, سب صاحب فراست ہیں. عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے. خیمے کی تیرگی میں کہاں ساتھ, خیمے کی تیرگی نے کہاں عاجزی کے ساتھ, تاریکیاں ہیں آل پیمبر کو چھوڑ کرتا ہوں. جو عمر شیر خاری میں دے ظلم کا جواب, جو عمر شیر خاری میں مثال دو علی
असगर को छोड़ कर। आखिरी शेर पेश करता हूं, मुलायजा फरमाइए। सबकी सबकी जबान गुंग थी शहरे यजीद में, सबकी जबान